अस्सलाम क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कच्चा बेबाक परिंदे कच्चा बादाम वायरल इंस्टाग्राम रील रोस्ट कच्चा बादाम रोस्ट ऑफिशियल सर की। तो भाई कच्चा बादाम की रील जो है काफी फेमस हुई थी, खास तौर पे अंजलि अरोड़ा और एक अंसारी नाम क्या नाम सोफिया, इसका फैन है सोफिया अंसारी का मौजूद। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। भाई लोग, बचपन का प्यार गाने की गूंज अभी तक कानों से निकल नहीं पाई थी कि अब सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम की सुनामी आ गई। जहां भी नजर डालो चुप कर मुंह बंद। भाई कच्चा बादाम सॉन्ग वायरल क्या हुआ, मानो रील्स के छपरियों ने बादाम अपने पिछवाड़े में ही डाल लिया हो। साला जिधर देखो कच्चा बादाम के नाम पर पिछवाड़ा हिलाया जा रहा है। भाई हमारे लिए बादाम बादाम होता है, इस भाई के लिए बादाम मूंगफली, और इन रील्स के छपरियों के लिए इन्होंने तो अपने पिछवाड़े को ही बादाम घोषित कर दिया है। हाँ, अगर तुम्हारी गांड बादाम है तो छाती होगी नारियल और बाल होंगे केसर, लुल्ली होगी काजू और गोटी होंगी अखरोट। अब बस खेत में जाकर मिट्टी खोदकर अंदर बैठने की जरूरत है ताकि ड्राई फ्रूट की फसल में कोई कमी रहने ना पाए। भाई ये तो गांड हिलाते हुए सच में खेत में पहुंच गए, लेकिन ये जमीन के अंदर भी शांत बैठने वाले थोड़ी हैं। ये वो बेबाक परिंदे हैं कि जमीन के अंदर से भी इतनी बेरहमी से गांड हिलाएंगे कि पूरी धरती ही भूकंप के झटकों से कांप उठेगी, क्योंकि हिलाने का टैलेंट जो इन छपरियों के पास है वो किसी के पास नहीं। और तेज हिला, एक काम कर पिछवाड़े को चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। भाई ये वो बंदी है जो आजकल इतना वायरल हुई है कि लोग इसको इसकी सूरत से कम पिछवाड़े से ज्यादा पहचानने लगे हैं, क्योंकि पिछवाड़ा हिलाने की कला जो इस बंदी ने दिखाई है आज तक किसी छपरी ने नहीं दिखाई। साला पिछवाड़े को छोड़कर कोई चेहरे पर फोकस कर ही नहीं पा रहा, और इसका कैमरामैन साला गांड पर इस अंदाज में फोकस कर रहा है मानो पहले मियां खलीफा के लिए वीडियो शूट करता हो। भाई ना सिर्फ इसका कैमरामैन बल्कि इस ट्रेंड पर वीडियो बनाने वाले लगभग 99% कैमरामैन का सिर्फ एक ही जगह फोकस है, और वो है इनका पिछवाड़ा। भाई कोई अकेले पिछवाड़ा हिला रहा है तो कोई अपने साथ एक को लेकर हिला रहा है, कोई दो लोगों को लेकर हिला रहा है तो कोई तीन लोगों को, और बचे इनके फॉलोअर्स तो वो इनको देख कर अपना हिला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई अगर आज ही शॉर्ट वीडियोज एप्स पर पिछवाड़ा और छाती हिलाने पर बैन लगा दिया जाए तो 99% छपरी एक वीडियो न डाल पाए, क्योंकि इनके पास यही दो हथियार हैं जिनका उपयोग करते हुए ये अक्सर मुट्ठल फॉलोअर्स को सम्मोहित करती नजर आती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। भाई एक दौर था जब निब्बी निब्बा से कहती थी, और आज रील्स पर छपरी कहती है, गोदाम में उतर कर देखो ना। भाई चलो, जिसके पास कुछ हिलाने के लिए है वो हिलाए तो चलता भी है, अब जिसके पास कुछ हिलाने के लिए भी नहीं है वो भी। अरे कूले की हड्डी टूट जाएगी छपरी, थोड़ा तो रहम कर बेचारों पर। भाई कच्चा बादाम ट्रेंड पर वीडियो कोई भी हो, लगभग हर छपरी के डांस स्टेप्स सेम मिलेंगे, छाती हिलाने से शुरुआत और पिछवाड़ा हिलाने पर अंत। अरे ये क्या, इसने तो छाती की आड़ में कुत्ते को ही हिला दिया, बेचारा कुत्ता भी कूदने के बाद बंदी से स्पेशली ये बोलने आया है। भाई चुतियापे की सीमा इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई पिछवाड़े को बादाम बोल रहा है तो कोई मूंगफली को, कोई चॉकलेट को बादाम बोल रहा है तो कोई।
दूसरी तो पहले अपनी लुंगी संभाल, बादाम कहीं कच्चे से बाहर न निकल आए। और भाई ये मीठा एंड मीठा गैंग अभी भी जिंदा है, मुझे लगा टिकटॉक के साथ साथ इनका भी अंत हो गया होगा, मेरा मतलब इनके कैरियर का भी अंत हो गया होगा, लेकिन ये तो आज भी गंद मचा रहे हैं। अरे बेटा कुछ नहीं रखा कच्चा बादाम में, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई करो, नंबर कम आए तो पिताजी मार मार के माथे पर बादाम निकाल देंगे। और ये क्या इशारे हैं, कच्चा बादाम की जगह नन्ना मुन्ना राही गाना चाहती हो? नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही। अरे भाई ऐसी क्या चुल्ले है, इस ट्रेंड पर हिलाते हुए वीडियो बनाना ही बनाना है। भाई मुझे लगता है इनके पिछवाड़े में बादाम हो ना हो, लेकिन बवासीर जरूर हो गई है, जिसकी बेचैनी की वजह से खुद के कूले बिना हिलाने से रोक नहीं पा रहे। चल जिसपे हिलाना आता है वो तो हिला ही रहे हैं, जिसके पास कुछ हिलाने के लिए भी नहीं है वो भी हिला रहे हैं। कहाँ है बादाम, साला सूख सूख कर छुआरा हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी। अब भाई ये कच्चा बादाम की सुनामी आई कहाँ से, जो आज ये छपरी बादाम के नाम पर पिछवाड़ा हिला हिला कर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई इस गाने का खोज करता है ये भाई। बादाम अरे कहना क्या चाहते हो भाई, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इन छपरियों के बादाम तब तक पकने में नहीं आएंगे जब तक इनको पिछवाड़ा हिलाने के लिए दूसरा ट्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक आपको हमको सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी इन छपरियों को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चले जी वीडियो खत्म हो गई, और कच्चा बादाम क्या बात है जी। और भाई साहब ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और त्रिपुरा फ्यूजन को जरूर विजिट करें, कमाल का रोस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ रोस्ट के तो मास्टर है मास्टर, और किसी को भी माफी नहीं देते जो हथे चढ़ गया उसकी, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, सबको वैसे चील के रख लेते हैं। और जो टिकटॉक ही है भाई वो करते ही ऐसे कि जो एक चल जाता है ट्रेंड चल जाता है, सही बात। और चाहे कच्चा बादाम हो चाहे हेलो हो, वो सर बोल रहे थे ये कच्चा बादाम तब तक नहीं पकेगा जब तक कोई नई रील सामने ना आए, ट्रेंड चल जाता है। इस तरह वो पाकिस्तान के ये वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पे, ये मैं हूँ ये मेरी कार है और यहाँ पे पारी हो रही है, हाँ तो पारी हो रही है। तो ये भाई कच्चा बादाम की रील जो सबसे ज्यादा जो फेमस हुई वो जी क्या नाम था उसका, अंजलि अरोड़ा, वो कमाल का उसका बादाम भी है और लड़की भी अच्छा है। यूसुफ का भी बादाम कच्चा ही है, पता नहीं पक गया लेकिन है बादाम है क्या क्रॉप है भाई। वो बंदा देखने वाला कहता है भाई एक बंदे का एक बादाम हो ही नहीं सकता, ये दो तीन बंदे का मिक्स है, मतलब बादाम तक रोड पर पहुंच गया इसलिए, मतलब क्या ट्रेंड चेंज करो भाई, मतलब रोड अब मूंगफली पर मत ले आना। अरे अच्छा वो बादाम वाला भाई सीन तो कमाल है, बाकी वो जो जी दूसरी थी सोफिया अंसारी वो देखी पता चला, अरे वो तो कितनी गुजरी है भाई, अरे जो कुत्ते को भी ला दिया था, अच्छा अच्छा कुत्ते को भी ला रही वो चेहरे लग रही थी मेरे, अरे नहीं वो इंडियन ही है सोफिया अंसारी है, मुसलमान है भाई, अच्छा लाती है वो, टैलेंट उसका भी अच्छा है। और वो जो बोल रहा था ना कि जो कैमरा मैन होता है ना तो ऐसे कैमरा फिट करता है भाई जैसे वो मियां खलीफा, अब मियां खलीफा का पता है भाई वो एकाई तो थी ये हमारे पास भी बैठी है मियां उसके साथ तो बच्चे मिला मिलाया तो, और तेरा बादाम भी काफी कच्चा ही है ये पक्का है, बल्कि इसका फुल पक्का बादाम है ना, नहीं जिसके कच्चे से बादाम बाहर आ रहे थे। अरे अरे भाई मैंने संभाला तो सही, अच्छा कहता है वो बादाम हिलाते हैं और जो इसको देखने वाले जो है वो अपना हिलाते हैं।
सही बात कर रहा था, वो सही बोल रहा था। आजकल भाई जो सोशल मीडिया पे है, फेमस होने के लिए ना बंदे कुछ भी करते हैं भाई, खास करके रील्स के ऊपर हो जाए, टिकटॉक के ऊपर हो जाए, पता नहीं कैसे कैसे ट्रेंड चला रहे हैं। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मशहूर होना। पाकिस्तान में एक लड़की थी मुनैर मलक, उसने जी रो के वीडियो बनाने शुरू कर दी, किसी लड़के के साथ उसकी थी तो वो जी टिकटॉक पे वीडियो बना डाली, अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरी वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो वो कर दो, हालांकि कोई वीडियो ऐसी थी नहीं, मतलब वो खुद को मशहूर करने के। अच्छा फेसबुक पे यूट्यूब पे देखो, जिधर देखो नया वीडियो की असली वीडियो मिल गई, वो बंदा देख देख के कोई वीडियो होती नहीं, मैं खुद सर्च करता रहा भाई कौन सी वीडियो। सही बात है, जब ऐसी बात हो तो बंदा करते ही है कि कौन सी वीडियो भाई बंदा की कहानी क्या है वो बंदा पता चल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ करते हैं फेमस होने के लिए, अब चाहे गांड हिलाएं चाहे कुछ और चीज हिलाएं, ये टिकटॉक ही और रील्स वाले भाई करते हैं। अच्छा तारक भाई वो जो चेहरा क्या देखते हो खाती है हां तारक भाई वो जो कहते थे चेहरा क्या देखते हो। हां पहले गाने ऐसे आते थे, अब तो गाने ही जीवो चेहरा क्या देखते हो गाने क्या था यार का भाई वहां पर बादाम उग रहे हैं ना, बादाम इतना बड़ा कुछ। अच्छा हर जगह पे कोई खेतों में बादाम ला रहा है, कोई गाड़ी में बादाम ला रहा है, कोई स्टोर में ला रहा है, कोई मॉल में हिला रहा है, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं, जिसका जहाँ पर भी बस चलता है भाई वो खड़े खड़े ना, उसने वहाँ ही तमाशा करके दिखा दिया है। जिसका बादाम नहीं है वो भी बहुत मशहूर होने के लिए अपने गांव को, ये मजेदार था कहता चलो जिसके पास बादाम हो वो तो हिलाए तो वो बनता समझ आता है, और जिसके पास है भी नहीं और वो भी हिला रहा है कच्चा बादाम कर रहा है। भाई ठीक है, अच्छी थी वीडियो, फनी थी, और ये ट्रेंड जो है वो चलता ही रहेगा, और काफी लोग होंगे जो रील्स बनाने वाले हो सकता है अभी भी देख रहे हो और कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है हमारी, बल्कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ठीक है भाई, आपको किसका कच्चा बादाम पसंद आया और ये भी बताइएगा इन दोनों में से कच्चा बादाम किसका और पक्का बादाम किसका है। तो इतनी तो पक्का है ना, तीसरे का भी भाई लाजमी बताना, कन्फर्म पक्का है। अच्छा मेरा पक्का कैसे होगा, सभी का पक्का है, मेरा बादाम है नहीं मूंगफली, ये पहले तो बोलते हो अब वो आगे मूंगफली आगे है बादाम तेरे पीछे है। चलो भाई ठीक है, मूंगफली और बादाम चलो कुछ तो है ही ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।